कटवर्क वाली हम बाजू का डिजाइन बनाएंगे। हमने पेपर पेस्ट्री ली है, इस पर हम अपनी बाजू का डिजाइन बनाएंगे। इस लेंथ है इसकी हमारी 5.5 इंच 1 पॉइंट और चौड़ाई हमने ली है 2.5 इंच। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच लेंगे, 1/2 इंच हम खुली वाली साइड लेंगे, 1/2 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। और इधर भी हम सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर एक इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम ऐसे इस निशान से मिला देंगे। अब हम इस पर हम कटआउट की कटिंग करेंगे। ये हमने 2 इंच बुकरम ली है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है, 2 इंच इसकी लंबाई है। इसको हम फोल्ड करेंगे। हाफ इंच 1 पॉइंट पर निशान लगा लेंगे हम। अब हम इसकी गोलाई करेंगे। ये हमारा 1 इंच 2 पॉइंट आ गया है। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसको, ये हमारी बाजू का कपड़ा है, इस पर हम इसको प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। ये हमने चिपका ली है पेस्टिक कपड़े पर। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अपनी बाजू की हम सीधी साइड लेंगे और इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारी बाजू की उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। सीधी साइड रखकर उस पर बिल्कुल बीच में निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के ऊपर इसको रख लेंगे।
ये हमने बीच में कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम कटआउट के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। में हम डोरी लगाएंगे। ये हमने डोरी पहले पलट बना के रखी थी। अब पहले हम इसको सिलाई लगा लेंगे, फिर हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे।
एक तरफ हमने डोरी लगा दी है यहाँ पर सिलाई लगाकर, दूसरी तरफ भी लगा लेंगे ऐसे ही। हम इसे सीधा करेंगे, अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम पहले बाहर की तरफ लगाएंगे, और एक अब सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे गोलाई पर। डोरियों में हम यहाँ पर लटकन लगा लेंगे। Thank you.